अच्छा आ जाओ ना सर, सामने सेंटर। यस। अरे यार शांति से खड़ा होने से नहीं चलेगा। सब एक साथ किशन स्क्रीन बंद होगी भाई, देखो ना अभी। चलिए बोलिए। धुआं 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 धुआं। सर एक बार यहाँ भी लुक दीजिएगा मैम, आप भी लेफ्ट लेफ्ट लुक योर लेफ्ट। अब सिंगल मैडम यहाँ पे देखिए। कौन यस सर आइए सर, अभी सिंगल यस सर। या लुक सर 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 राइट टू लेफ्ट प्लीज। किशन भाई किशन बेटा एक बार गाना दिखाएंगे बैठ के अच्छे से। हाँ, से देख। हाँ, बढ़िया से गाना रिपीट करो। रुको विजुअल। अरे कौन चमका है? अरे पालीवाल जी। हाँ जी। अरे पैसा आपके लिए, मैं मुझे सेक्रेटरी रखा है कि बार बार आवाज लगा रहा हूँ। अरे पैसा कर रहे हो कम कर। रेलवे ले लिया भाई, आदमी को पहचाना वीडियो के अंदर था। हाँ भाई लास्ट धुआं उड़ा रहे थे। हाँ भाई इसने ध्यान दिया, मिश्रा बराबर ध्यान दे रहे थे। एक बार यहाँ पे देख लिए सब लोग गर्दा उड़ा रहे गर्दा। चलो ओके थैंक यू। आइए बताइए। चलिए चलिए आइए आइए। मैडम को सपना मेरे को फ्रेम बना के शांत हो जाइए। वो तो ले रहा है। जैसा जी सबसे पहले तो हमने आपको आश्रम में देखा, वहाँ तो एक अलग टाइप की आंख लगी थी और यहाँ पे मतलब एक डिस्को में जाके दुआ दुआ करना ये कितना उचित है। शुरुआत तो वहीं से हुई थी एंड आई गेस ये म्यूजिक वीडियो के थ्रू से मुझे भी मौका मिला एक अलग किरदार निभाने का, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गॉट टू डू दिस। और जब ऑब्वियसली सॉन्ग आपको बताया गया और फिर जो उसकी पिक्चराइजेशन होगी तो उसके बारे में जरा कुछ बताएंगे? डेफिनेटली क्लब सॉन्ग है, हमने पहले सोचा था कि होली के आसपास निकालेंगे बट आई थिंक इट्स लाइक कुछ भी लेट नहीं, आई थिंक इट्स करेक्ट टाइमिंग बिकॉज वो दो ऐसा एक गाना है जो मैं सुनूंगी तो मैं गाड़ी में भी आई वांट टू डांस, क्लब में भी डांस कर सकती हूँ, कहीं पे भी। इट्स जस्ट अ वेरी फील गुड सॉन्ग। What was the best part in the song so that you said yes for this? Because there are every now and then we can see a new music video. True. आई थिंक मुझे हुक स्टेप का भी अच्छा लगा बिकॉज एवरी सॉन्ग नाउ डेज बॉलीवुड में एक हुक स्टेप तो चलता है एंड आई नो इट्स नहीं आई थिंक दैट हुक स्टेप गॉट मी हुक्ड। सर आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रिदा के साथ और थोड़ा सा बताइए गाने के बारे में हमारे ऑडियंस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गाना बहुत अच्छा है। पूरी टीम को शुक्रिया जिन्होंने गाना बनने से लेकर के इसको आखिरी कट होने तक में हर किसी ने साथ दिया है और चार चांद लगाया है त्रिधा ने इस गाने में आके।
आप देख भी रहे होंगे, सीरियसली टीम एफर्ट है, सीरियसली टीम एफर्ट है, मगर आपका इस गाने में होना इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। सो धुआं धुआं है अभी तक इनको लोग, हमेशा जहां तक मैंने सुना है कि आश्रम फेम, आश्रम फेम, अब तो ये आपके ऊपर है कि धुआं धुआं गर्ल, धुआं धुआं गर्ल, धुआं धुआं गर्ल। आश्रम में बहुत धुआं होता है ना। आप बताइए। और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, माई बेसिस क्लासिकल। आई स्टिल फील मैं रिवर्स कर सकती थी, बेहतर दे सकती थी। आई थिंक आई ऑलवेज क्रिटिसाइज माई ओन वर्क, मुझे लगता है मैं हमेशा बेहतर कर सकती हूँ। बट एक साथ हमने इन्जॉय किया था, दैट इज द बेस्ट पार्ट। हम सब ने बहुत इन्जॉय किया गाना, डांस करना, गाना एक साथ, दैट वॉज एन्जॉय। प्रणव जी, इस ओबियसली गाने को जैसे हमने सुना, यू नो, एक सेटिंग शायद एक क्लब सेटिंग है, सॉरी, और सो आजकल यू नो ओबियसली फिल्मों में म्यूजिक कम बजता है, और ओबियसली हम्बल आर्टिस्ट लाइक योरसेल्फ, यू नो, आपके लिए फिर एक डिजिटल मीडियम है, यूट्यूब है, वहाँ पे यू नो म्यूजिक आर्टिस्ट यूट्यूब इन जगहों पे अपने सॉन्ग निकालते हैं, लेकिन अक्सर देखा है कि कई बार ये सिर्फ एक शायद यूट्यूब एक्सरसाइज बन के रह जाती है कि गाना निकाला गया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि उसको रिलीज करके। तो ना ऐसे दौर में यू नो ऑब्वियसली आप एक आपका गाना लेके आते हैं, तो यू नो लिसनर्स को आकर्षित करने के लिए यू नो इस चीज़ पे कुछ कहेंगे? थैंक यू। पहले तो आपने हमारे गाने को सराहा, थैंक यू सो मच। हम अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, अभी किसी फॉर्मेट पे नहीं जा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। हम अपना पूरा एफर्ट, हमारी पूरी टीम अपना पूरा एफर्ट गाना बनाने में दे रहे हैं, अच्छे आर्टिस्ट को साथ लाने में दे रहे हैं, और गाना अच्छा बन रहा है। बस ये ईमानदारी हमारी टीम में, मुझ में, हम सब में बनी रहे, तो हम अच्छा गाना आपको देते रहेंगे। देखो मुझे तो खैर क्लबिंग का इतना कुछ आदत नहीं है, बट मेरे दौर में जो मैंने सुना है, एक आध बार मैं गया होगा, तो उस दौर में शायद 80s-90s में क्लब्स में ज़्यादातर अंग्रेज़ी गाना बजते थे, और ऑब्वियसली ये गाना जो है इसकी धुन जो है एकदम देसी है, यू नो ज़मीन से जुड़ी लगती है। तो इस चीज़ को आपको यू नो ऐसे गाने को फिर एक क्लब सेटिंग देना, इसके पीछे की सोच ज़रा बता सकते हैं? कहीं से उस दौर के नहीं लगते, पहले ये बताओ, तो आजकल वाले लगते हैं। मुझे लगता है गाना एक चीज़ है, बहुत टाइमलेस है, कोई भी गाना पकड़ लीजिए आप। आई थिंक गाना ऐसा होना चाहिए कि आप आज सुने, कल सुने, बार बार सुने, दैट इज हाउ इट शुड बी। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ क्लब के लिए बना हुआ है, आप गाड़ी में भी सुन सकते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट करते समय आप सुन सकते हैं। आई थिंक दैट इज हाउ आई पिक्चर द सॉन्ग। सो मेरा सवाल है आपसे, सवाल है कि भाई आपने इस गाने को लिखा है, आपने इसे पेन डाउन किया है, आप क्या जब ये गाना आप लिख रहे थे तो उसी वक्त सोच लिया था कि भाई इस गाने में जो आपके साथ पीछे कहेंगे वो त्रिधा चौधरी होंगी, तभी सोच लिया था या फिर इनकी कास्टिंग बाद में हुई, कैसे इनकी कास्टिंग हुई? हर काम का अपना किस्मत होता है, इस गाने की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस गाने को त्रिधा चौधरी मिली, और जब मैं लिख रहा था उससे ज्यादा मजबूती की बात यह है कि इस पे म्यूजिक जो दिया विवियन रिचर्ड ने, उन्होंने पहले मुझे म्यूजिक दिया कि आप इस पे लिखो, तो ये पूरा श्रेय संगीत का विवियन रिचर्ड को जाता है, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं। जिधा आप तक कैसे पहुंचा गाना, आप कैसे कास्ट हुई इन गाने में कि भाई धुआं धुआं में आप नमक के साथ कास्ट हुई? मेरे ख्याल से काफी देर तक हम लोग की टीम बातचीत कर रही थी कुछ गाना एक साथ करेंगे, तो मुझे डेफिनेटली गाना काफी अच्छा लगा, और बस मेरी टीम की क्रिएटिव हेड है श्रुति शुक्ला, उसको थैंक यू, उसके कारण त्रिधा चौधरी इस गाने में। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने ऑनेस्टली बोला, मुझे लगता है मैंने और रिहर्स करती तो और बेहतर परफॉर्म कर पाती, बिकॉज आई ऑलवेज आई एम नॉट टू हैप्पी विद माई वर्क, बट सबको आई होप अच्छा लगा, एंड कुडन्ट हैव डन इट विदाउट द अमेजिंग टीम। एक सर्टेन स्टेप है, अगर उसे मैं एक शब्द कहूं, परफॉर्मेंस में हम आपको देख सकते हैं, बिकॉज टिल नाउ एवरीवन नोस दैट आफ्टर आश्रम त्रिधा चौधरी, बट इज इट सो विल यू कम विद दिस सच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दैट त्रिधा विल बी मोर एलिवेटेड? एक्चुअली लास्ट 2 साल तक मैं शूटिंग कर रही थी काफी सारे फिल्म्स के लिए जो इस साल रिलीज होने वाले हैं, सो दिस इज अ ईयर फॉर रिलीजेस फॉर मी, म्यूजिक वीडियोस, मूवीज, and I'm very excited for it, so aap log ko jaldi pata chalega. Many more, if you would like to give some of the hint to the audience, one of them is with Jio Studio, that's all I can tell you. Wow. Trita, agar dance steps ki baat kare, yeah. Aur obviously when it involves booty, and you know, it involves what? Booty. There are certain bootylicious step, I think that's the word which is used, yeah. I'm not an expert on choreography. तो वो स्टेप्स को ना स्क्रीन पे लाना आई थिंक एक चैलेंज रहता है कि इंश्योर करें कि वो यू नो एक
ग्रेसफुल रहे उसके, तो उसके बारे में जरा। नहीं डायरेक्टर को मैं, यू हैव टू ऑलवेज ट्रस्ट योर डायरेक्टर कि वो क्या काम निकलवा रहे हैं आपके साथ, एंड आई डोंट थिंक आज कुछ भी वल्गर लगता है इट्स एग्जीक्यूट। डांस एक चीज़ है बहुत, आप क्रिएटिवली यू हैव टू सरेंडर टू द कैमरा, टू द ऑडियंस एंड एवरीथिंग। सो उस वक्त आपको नहीं सोचना है कि क्या लगे, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द कैमरा। त्रिदा कोरियोग्राफर कौन था? बहुत बखूबी किया, कोरियोग्राफ किया आपने, एंजॉय भी कर रही थी आप गाने। कौन था कोरियोग्राफर उसके बारे में? देव जी और ऋषि। देव आपके कोरियोग्राफर हैं जो गणेश आचार्य जी के बहुत समय से गणेश आचार्य जी के टीम में रहे हैं, उनको उन्होंने असिस्ट किया है, और इसका जो डायरेक्शन किया है वो ऋषि कुमार और देव थापे ने मिलकर किया है। अनवील किया था, तो ये बड़ी बात है। प्रणव जी गाने के लास्ट में कोई लड़का है तो उसको परिचय दे, कौन है जरा उसको बुला, उनको बुला लेते हैं, उनको बुलाते हैं। रुके पहले मैं ये बताता हूँ, वो जो लड़का है वो जो आप देख रहे होंगे अंत में कह रहा है, वो कह रहा है कहाँ गया मेरा पैसा, कहाँ गया, वो प्रोड्यूसर भी हमारा। प्लीज वेलकम विनोद पालीवाल जी। आइए। नमस्कार पलवीर जी, आपको जैसे मैंने कैमरे पे देखा एक सेकंड लगा जैसे मेरे सामने युजवेंद्र चहल है। सर एक्चुअली ये बात करें तो मेरे साथ ये भी हुआ, हम फर्स्ट टाइम जब गए थे ना वृंदा जी से, हमारी पार्टनर है उनसे मिलने, तो हम रास्ते में आ रहे थे तब हम वहाँ पे रुके थे नाश्ता करने में, तो वहाँ पे कोई बंदा आया था सेल्फी लेने, सर सर सेल्फी, युजवेंद्र चहल हो? मैंने कहा नहीं नहीं। राज कुछ नहीं है, पता नहीं, कुदरती सही है। सर आपको गाने में लाने का डिसीजन आपका था कि लोगों ने फोर्स किया कि नहीं प्रोड्यूसर साहब भी आ जाओ? नहीं नहीं मतलब जैसे प्रणव भाई इन्होंने कहा था कि थोड़ा आप भी देखो, फिर इस हिसाब से मैं आया। तो पहले आपका क्या रिएक्शन था? पहले रिएक्शन ये था प्रोड्यूस करना, सॉन्ग को हिट करना है, बड़ा काम करना। मतलब आसान था इनको मनाना कि डांस? मैं तो एक ही बार बोला, इन्होंने चार बार हाँ बोला। मैंने कहा चलो हाँ 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 थैंक यू। प्रणव भाई प्रोड्यूसर वगैरह? हाँ जी, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ में, हमारी प्रोड्यूसर है वृंदा भंडारी जी, पुणे की शान, आइए, और अनवर शेख जी राजनीति में उतने ही सक्रिय हैं जितने सिनेमा में। सर 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 मोबाइल थोड़ा पीछे कर लीजिए, फ्रेम बढ़ा। सिंगर नकाश आज नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं बाकी अपने टीम के मेरे जो डायरेक्टर हैं यहाँ है ऋषि कुमार, आप प्लीज आ जाइए। ऋषि कुमार हमारी क्रिएटिव हेड हैं श्रुति शुक्ला, प्लीज आ जाइए। हमारे डीओपी हैं अंकित रवि, जिसमें आज अंकित हमारे साथ हैं, अंकित प्लीज आ जाइए। नाम सुना सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं है, मेरे जो अगले दो गाने जी से रिलीज हो रहे हैं उस दोनों गाने के सिंगर भी यही हैं, और ये कमाल के सिंगर हैं और काफी वक्त से इंडस्ट्री में है। आग वो मेरे दिल को लगा के, राग ने मेरे मुझको मिला के, हमको कर गए धुआं, हमको कर गए धुआं 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 धुआं। थैंक यू सो मच। चलिए एक विजुअल करते हैं। ओके सर, स्टेप लेते हो डांस।